सिंध काबीना मुलाजमन के घट में घट उजरत 37,000 रुपया मुकर कर वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जबतन में तरमीम की मंजूरी दई छी है। सिंध काबीना जो इजलास वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ थो। इजलास में सूबाई वजीर सलाहकार चीफ सेक्रेटरी ए लागापिल ऑफिसर शिरकत कई। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट जबतन में तरमीम की मंजूरी दिनी वही। सिंध काबीना सेहत खाते में 731 जायू खत्म कर 434 क्लिनिकल जायू पैदा करण की मंजूरी भी दिनी। इजलास के बुधा वो तो 434 क्लिनिकल जायू पैदा करण से सालियानो 1.1 बिलियन रुपया खर्च थींदा। क्लिनिकल जायू स्पेशल कैडर जो होंदियों कॉन्ट्रैक्ट से भर्ती थींदी। सिंध काबीना 407 पुलिस स्टेशन की सीधी रीत बजट ए डीडीओ पावर देने की भी मंजूरी दई छी है। इजलास के बुधा वो तो SPSC तरमीम तहत पास उम्मीदवार की वेटिंग लिस्ट ठाण जो बंदोबस्त किया है। जैसे को उम्मीदवार पास थे शामिल न थिए तो पोस्ट खाली थी वेंदी। सिंध के वे वजीर के आगाही दिनी वही तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वेटिंग लिस्ट भी तैयार कर रही है। जैसे का वेटिंग लिस्ट है तो खाली जाए तो उम्मीदवार शामिल काबीना के आगाही दिनी वेंदी। सिंध काबीना घट में घट उजरत 37,000 रुपया मुकर कर तोड़े वजीर आजम के औरतन के बाख्तियार बनाने वाले पैकेज में शामिल करने की भी मंजूरी दी। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह तो सूबाई वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पैकेज में शामिल करने लाए कम करण घुर्जे। उन तो वजीर आजम वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2024 जो ऐलान किया है। सिंध हुकूमत भी सागी रकम वजीर आजम के पैकेज में खर्च कंदी। इजलास में गलाइंदे सैयद नासिर हुसैन शाह तो बिजली विराइंदड़ कंपनियों बिलन की अदायगी या लाइन लॉसेज की आड़ में पूरा फीडर बंद कर छन थी। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह तो बिजली विराइंदड़ कंपनियों के लाइन लॉसेज या टेक्निकल नुकसान जो भार इलाके के अवाम से न विझण घुर्जे। उन तो बिजली चोरी के नुकसान जो भार भी अवाम से नो विझी सके। वे वजीर बिजली चोरी के रोकने लाए बिजली विराइंदड़ कंपनियों के पा मुरादों कदम खड़ने जो हुक्म दई छो है।